जम्मू कश्मीर के पुलवामा के काकापोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। यह मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली। पहले खबर आई कि एक आतंकी मारा गया है, जबकि 2 आतंकियों को घेर लिया गया है, लेकिन बाद में सुरक्षा बलों ने उस घर को आईईडी से उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। मौके से 4 आतंकियों के शव और 3 हथियार बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ के बाद कुछ स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों का विरोध किया। उन्हें नियंत्रित करने के लिए जवानों को कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं। शुक्रवार तड़के काकापोरा के संबोरा गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें, इस हफ्ते 2 आतंकी हमले हुए हैं। पहला हमला जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में आतंकियों ने नगर परिषद के ऑफिस में किया था। वहीं दूसरा हमला रविवार को अनंतगांव में आतंकियों ने सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड से किया था, लेकिन यह सड़क पर जाकर गिरा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना रविवार शाम करीब 7 बजे अनंतनाग के संगम इलाके में हुई थी। इससे पहले पिछले महीने श्रीनगर में एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर खुलेआम फायरिंग की थी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। घटना बागत एरिया के बाड़जुल्ला में हुई थी। हमला एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में दिख रहा था कि एक आतंकी कपड़ों के अंदर राइफल छिपाकर आया और एक दुकान पर खड़े सिलेक्शन ग्रेड और कांस्टेबल पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग करने के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।